हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निसर्ग तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने कमान संभाल ली है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने गुजरात में मोर्चा संभाल लिया है। नवसारी के तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। दमन के हवाओं में निसर्ग तूफान की आहट महसूस की जा सकती है। दमन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को तटों से दूर करने में लगा है। एक नज़र दमन के तट को आपको दिखाते चलें। देखिए दमन पर ये तट है जहां आम दिनों में लोग आते थे, घूमते टहलते थे, पर अब जिस तरीके से कोरोना को लेकर माहौल बना हुआ है, इस माहौल के बीच में यहां पर लगातार पुलिस जो है यहां पर लगातार गश्त कर रही है, लोगों को हटा रही है। तूफान का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों को हवाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 10 टीमों को ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया है। मालवण में एक टीम है, सिंधुदुर्ग में एक टीम है और डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में दो टीमें हैं, ठाणे में भाईंदर में एक टीम है और पालघर में दो टीमें हैं, जो कि पालघर और दहनू में एक एक टीम है और जो यहाँ पे अंधेरी लोकेशन है वहाँ पे तीन टीम है। अगर कोई बिल्डिंग्स कोलैप्स भी होती है तो उसमें भी काम करने के लिए हमारे पास टूल्स वगैरह हमारे पास रेडी है। तूफान के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए भी एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर रखी है। कोरोना के लिए हमारे पास जो बायोलॉजिकल सूट्स भी हैं और जो उसके लिए पीपी जो आती है, लेटेक्स ग्लोव्स हैं, मास्क, आई प्रोटेक्टर तथा सैनिटाइजेशन के लिए हमारे पास जो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है तथा उसको स्प्रे करने के लिए पंप्स वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। पालघर में एनडीआरएफ की टीमों ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पालघर में एनडीआरएफ की दो टीमें मुस्तैद हैं। वहीं सिंधुदुर्ग में भी तूफान से पहले ही टीमों को उतार दिया गया है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ के साथ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट भी तैनात है। मुंबई के चौपाटी में फायर ब्रिगेड की तीनों टीमों ने इमरजेंसी हालातों से निपटने की मॉक ड्रिल की। ये मुंबई दमकल विभाग की टीम है जो यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर मौके का जायजा लेने के लिए पहुंची हुई है और यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद है लाइव। हमारे पास 150 फ्लड रिस्पॉन्स टीम के लोग हैं। तूफान निसर्ग के चलते सेंट्रल रेलवे ने अपनी कई ट्रेनों को रीशेड्यूल के साथ साथ डायवर्ट भी किया है। तूफान महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। जानमाल को बचाने के लिए गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।